भारत खान पान का भंडार है। यहाँ हर रसोई में पारंपरिक एवं आधुनिक रूप से खाना बनाया जाता है। इस भंडार को खोजने के लिए स्वाद एक अनोखा जरिया है। यह चैनल भोजन प्रिय के लिए एकमात्र खोज है। स्वाद का यह प्रयत्न आपको इडली के विभिन्न प्रकार के रुचि से वाकिफ कराना है। यह चैनल वैसे ही कुछ व्यंजनों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। वेजिटेबल इडली। आज अनेक तरह के सब्जी के इस्तेमाल से एक इंटरेस्टिंग इडली की रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं इसे बनाने की विधि। आवश्यक सामग्री: इडली का बैटर 200 ग्राम, तेल 2 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, जीरा 1 चम्मच, काजू 10 ग्राम, हींग आधा चम्मच, अदरक 1 चम्मच, हरी मिर्च 5 ग्राम, गाजर 1, बीन्स 20 ग्राम, आलू 20 ग्राम, हरा मटर 10 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पत्ती 5 ग्राम। बनाने की विधि: सबसे पहले कढ़ाई गरम करके उसमें तेल, काली मिर्च, जीरा, काजू डाल के मिलाएं, हींग, अदरक, हरी मिर्च डाल के मिला लें। अब गाजर, बीन्स, आलू, हरा मटर डाल के अच्छे से मिलाएं और नमक डाल के कुछ देर पका लें। अब इसे एक बर्तन में निकाल लें। बाद में पहले से तैयार इडली के बैटर में इसे डालें और मिला लें। अब इडली बनाने वाले बर्तन में थोड़ा धनिया पत्ती डालें और ऊपर से बैटर डालें। इसे ढक के 10 से 12 मिनट तक स्टीम पे पकने दें। अब ढक्कन हटा के इसे निकाल लें। और सांबर और चटनी के साथ परोसें। वेजिटेबल इडली तैयार है। इस हेल्दी रेसिपी को आप अपने ब्रेकफास्ट मेन्यू का हिस्सा जरूर बनाएं। और ऐसे ही कुछ और रेसिपीज के लिए हमारे चैनल स्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।